मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मध्य प्रदेश की जमीनी हकीकत को खंगालने के लिए प्रवासी विधायकों को भेजा जा रहा है। इसी दौरान बागली विधानसभा में भी गुजरात के विधायक अभय सिंह तड़वी को प्रवासी बनाकर भेजा गया है, जिन्होंने 9 दिनों तक विधानसभा का भ्रमण कर जमीनी हकीकत को खंगाल कर रिपोर्ट तैयार की है। प्रवास पूरा होने पर भोपाल जाने से पहले तड़वी ने बागली में रेस्ट हाउस पर प्रेस वार्ता आयोजित कर मीडिया को तड़वी ने बताया कि उनके द्वारा 9 दिवसीय विधानसभा के सभी मंडलों में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें पन्ना प्रमुखों एवं केंद्रों का तैयारियों की समीक्षा एवं आम जन से चर्चा कर यहाँ का फीडबैक तैयार किया गया है। तड़वी ने बताया कि मैंने बागली विधानसभा अंतर्गत लगभग 1200 से अधिक महिलाओं पुरुषों से पर्सनल संवाद किया है और योजना एवं स्थानीय विधायक के बारे में चर्चा की गई है, जिसे भोपाल संगठन के सामने रखा जाएगा। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। अभिनंदन करता हूँ। सभी क्षेत्रों का मैंने दौरा किया है और सबको मिला हूँ, संगठन को मिला हूँ, संगठन के साथ कार्यकर्ताओं के भी मिला हूँ, व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ, लाभार्थी भाइयों को मिला हूँ, और सभी किसान मोर्चा को भी मिला हूँ, किसानों को भी मिला हूँ, और सभी जो अलग अलग रूप से मैंने सब संगठन कैसे बढ़ावा जाए, संगठन की भूमिका क्या है, मोर्चे की भूमिका क्या है, ये सब घूमते मैंने 9 दिन निकला। मेरा तो अच्छा लगता है, ये विस्तार बहुत अच्छा है, भाग्यशाली है और नर्मदा माता के तट पर ये बसा हुआ है ये बागली विधानसभा और मेरी विधानसभा। ऐसा ही मेरे को लगता है कि संखेड़ा की विधानसभा ही नर्मदा किनारे है। मिलना जुलना मेरे को ऐसा लगा कि मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र में घूम रहा हूँ और सभी अभी जो काम किया है सरकार ने, है 5 लाख का आयुष्मान कार्ड सभी को मिल रहा है और अच्छी तरह से सड़कें सब बनी है और मेघावी विद्यार्थियों को ये सब शिवराज सिंह सरकार का खूब अच्छा निर्णय मेरे को लगा कि मेघावी विद्यार्थियों को 1 लाख की स्कूटी दी जा रही है और सबसे बहुत अच्छी शिक्षा का काम यहाँ चल रहा है, ऐसा मेरे को लगा है। और फिर भी तेंदुपत्ता के जो उत्पादक लोग थे उनको भी 2 साड़ी और जूता, चंपल, छाता और पानी की बोतल भी मिल जा रही है। सबसे अच्छी शिवराज भैया की योजना है, मेरे को लगता है कि सभी अच्छे वो नर्मदा घाट पे जो घाट बना है और वो भी अच्छा है, 3 करोड़ से ज़्यादा रकम से वो बना है और सब मैंने सब दौरा किया तो सभी लोग वहाँ आए थे और बोलते थे 144 में कलम भी हटाई और यहाँ दर्शन करने के लिए सबको आने सब जा रहे हैं। वो विधायक जी ने बहुत अच्छा काम किया है ये लोग कल बता रहे मेरे को। और लवकुश सीता माता जी का मंदिर जी भी मैंने देखा, यहाँ भी लगभग 1.5 करोड़ से ये काम अच्छा पूरा हो जाने रहा। वो तो फिर भी अच्छी सड़कें बनी है, पानी पीने की सारी व्यवस्था है और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किए हैं 2003 पहले नहीं हुए थे कांग्रेस के शासन में, यहाँ खूब अच्छा काम रहा मेरे को लगा है। मेरे को 7 दिन के लिए संगठन के पदाधिकारियों भी मिला वो और सबको मिला कि मैंने एक ही बात रखी है कि अगले चुनाव भाजपा की सरकार बने और सब लोग बोल रहे हैं कि भाजपा की सरकार, मोदी साहब की सरकार यहाँ बनेगी ही बनेगी, ऐसा सभी लोगों ने मेरे को आश्वासन दिया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।